एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी जा रही हूँ अपने भाई के साथ नदी की ओर। मेरे घर में ना एक बहुत ही पुराना तुलसी का पौधा था जिसे मम्मी ने उखाड़ दिया है, तो उसी को ठंडा करने के लिए जा रही हूँ, मतलब कि विसर्जन करने के लिए जा रही हूँ। ये देखो मेरे पीछे मेरा भाई पकड़ा हुआ है। तो अभी हम लोग पहुँचे नहीं हैं नदी के किनारे में, जो है पहुँचे नहीं है नदी के पास, अभी रास्ते में ही है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि नदी जो है पूरा भर गया है, डैम के ऊपर से जो है पानी उछल कर जा रहा है पुल के ऊपर से। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे, क्योंकि ब्लॉग जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, देखिए फाइनली हम लोग नदी की ओर पहुंच चुके हैं। नदी देखो कितना ज़्यादा भरा हुआ है, और वहाँ पर जो है डैम है, तो डैम के ऊपर से शायद पानी जा रहा है। अभी जाकर दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी भरा है। पानी जो है बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं तुलसी को ठंडा कर देती हूँ, मतलब कि विसर्जन कर देती हूँ उसको। तो गाइस, ये रहा तुलसी का पौधा, तो पहले मैं इसको ठंडा कर देती हूँ। तो गाइस, मैंने तुलसी का पौधा जो है विसर्जन कर लिया है, और आप लोग इधर का व्यू देख सकते हो कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। उधर जो है कितना ज़्यादा हरा भरा दिखाई दे रहा है पेड़ पौधा, और पानी जो है ना मस्त नीला कलर में दिखाई दे रहा है, एकदम साफ़ है पानी। तो चलिए मैं आप लोगों को उधर का व्यू दिखाती हूँ। डैम के ऊपर से जो है पानी जा रहा है, तो बोल रहे थे लोग, लेकिन अभी पता नहीं जा रहा है कि नहीं, लेकिन जो है नदी तो पूरा भरा हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को उधर का व्यू दिखाती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम लोग घर जाएंगे। तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं डैम के पास। अतुल जो है मेरे से आगे चला गया है, दौड़ते दौड़ते चला गया है, और देखते हैं डैम के ऊपर से जो है पानी जा रहा है कि नहीं। तो गाइस, फाइनली हम लोग डैम के पास पहुंच चुके हैं, और डैम के ऊपर से जो है पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जो गेट होता है ना वो बंद है। फिर भी जो है डैम के ऊपर से पानी नहीं जा रहा है। 6 गेट है, और 6 गेट जो है बंद है, फिर भी जो है डैम के ऊपर से पानी नहीं जा रहा है। और आप लोग देख सकते हो पानी जो है पूरा भरा हुआ है, देख सकते हो बाइक भी चल रहा है। डैम से जो है ऊपर से पानी जा रहा था तो बाइक नहीं चल रहा था, लेकिन अब डैम के ऊपर से पानी नहीं जा रहा है तो बाइक जो है चल रहा है अभी। और देखिए पानी जो है साफ दिखाई दे रहा है, और डैम के जो है मतलब कि ना बराबर है, डैम और पानी दोनों जो है बराबर है। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, पूरा भरा हुआ है डैम, और पानी जो है साफ भी है, और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है। और इस डैम का गेट जो है ना अभी अभी नया लगाया गया है, पुराना वाला जो है ख़राब हो चुका था, जंक लग गया था पूरी तरह से। तो अभी नया जो है गेट लगाए गए हैं, 15 से 20 दिन हो रहा है गेट वाला काम जो है ख़त्म हुआ है। तो इधर का आप लोग व्यू देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत है। बहुत दिनों के बाद जो है मैं इधर घूमने के लिए आई हूँ, और इधर देखिए गेट बंद है, तो इस साइड जो है पानी भी नहीं आ रहा है, और मछलियाँ जो है तैर रही हैं। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए छोटी छोटी मछलियाँ हैं जो तैर रही हैं। और उधर देखिए पूरा सूखा पड़ा हुआ है, पानी नहीं है, तो डैम का गेट जो है बंद कर दिया गया है, तो इसलिए पानी नहीं जा रहा है इस साइड। तो इस साइड जो है पूरा सूखा है, थोड़ा थोड़ा पानी है। तो गाइस देखिए, मछलियाँ जो है तैर रही हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं इसमें। तो गाइस, अभी हम लोग डैम के नीचे उतर गए हैं, और इधर देखिए पूरा काई जमा हुआ है, फिसल रहा है पूरा। अतुल एक बार फिसल कर गिर भी चुका है, इससे उतर रहे थे ना तब अतुल जो है फिसल कर गिर गया है। और इधर देखिए डैम से जो है पानी निकल रहा है, मतलब थोड़ा सा खुला हुआ है गेट, उसी से जो है पानी आ रहा है। एक ही गेट खुला हुआ है, और
ये देखिए एक ही गेट जो है खुला हुआ है, बाकी का सारा गेट जो है बंद है। तो चलिए और आगे चलते हैं, और आगे चलकर मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। तो चलने में ना बहुत डर लग रहा है, क्योंकि देखिए पूरा काई जमा हुआ है, फिसल कर गिर सकती हूँ मैं। ये देखिए पूरा काई जमा हुआ है, और यहाँ पास में देखिए एक छोटा सा मंदिर भी है, उसके आगे एक और मंदिर है। और ये नदी अहिरल नदी है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। पानी जो है डैम से, गेट से जो है पानी निकल रहा है, उसी का आवाज़ आ रहा है झरझर झरझर जैसे। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, और आगे थोड़ा सा आप लोगों को व्यू दिखाऊंगी, उसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे। तो गैस मेरे पीछे देखिए मेरा भाई जो है मछली पकड़ रहा है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो देखिए पकड़ रहा है मछली, वो मुझे बुला रहा है मछली पकड़ रहा हूँ देखने आ करके। तो मैं जा रही हूँ देखने, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो गैस बिल्कुल छोटा छोटा मछली पकड़ा है, और मछली जो है ना फिटक फिटक ही है, तड़प रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो गैस ये देखिए बिल्कुल छोटी छोटी मछलियाँ हैं, तड़प रही है प्यास से। ये देखिए पानी से अलग कर दिया है, तो ये देखिए तड़प रहे, बहुत ही मछली है, इसमें बड़े बड़े भी है, ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल छोटा छोटा है। ये देखिए हाथ में लेकर आया है, बिल्कुल छोटा छोटा सा है। पानी में कर दे, मतलब कर दो पानी में, कर दो। तो गाइस इधर देखिए मेरे पीछे भी मछलियाँ पकड़ रहे हैं लोग। तो अब ना हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक बड़ा सा मछली मिल गया है, तो ये चाचा जो है मछली पकड़ रहे थे, उनको हमने बुला कर लाया है, और उन्होंने आवाज़ दिया है। तो देखते हैं अगर मिल जाता है कि नहीं, उसके बाद जो है हम लोग घर जाएंगे। कोशिश करें, मछली जो है ना घुस गया है। तो गैस मछली जो है नहीं मिली, अंदर घुस गया, सुरंग जैसा है उसमें जो है घुस गया है। हाँ तो गैस इधर है ना, उधर से मछली पकड़ कर लाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस थैले में है, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा है, बिल्कुल ताजा मछली है। वीडियो बनाते चल, ठीक करें चल। मछली तो नहीं मिली, तो अब ना हम लोग घर जा रहे हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।